एंटोनिम सिनोनिम का आगे अपनी जो गाड़ी है उसको लेके चलते हैं। ये गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी और जहाँ पर सिलेक्शन बोर्ड बैठता है वहाँ पर जाकर रुकेगी। अब सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश की गारंटी है, इंग्लिश की गारंटी है। पहले मैं वर्ड मीनिंग कवर कर रहा हूँ, उसके बाद जब मैं आपको ग्रामर करवाऊँगा, जब मैं आपको ग्रामर करवाऊँगा तब मैं आपका हर एक पहलू को टच करूँगा। उसमें साथ साथ में जो ये वर्ड मीनिंग आएंगे, जैसे मैं पैसेज करवा रहा हूँ, पैराग्राफ करवा रहा हूँ या क्लोज टेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, गैप फिलिंग करवा रहा हूँ, तो उसमें मैं थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज लूँगा जो पेपर में आती है, आपके एग्जाम्स में आ रही है, हाई लेवल के एग्जाम्स में आती है ना, इंग्लिश के एग्जाम्स में आती है, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और अब तो हेल्प कर ही रहा है, तो चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। SSC हो गया, DSS भी हो गया, NDO हो गया, CDS हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो गया, सब में आर पार, ये सब में आर पार है ये वोकैबुलरी आपकी। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ रेफरेंस देके करता हूँ। हालांकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव वाली लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करूँगा क्योंकि मैं एक इंग्लिश फैकल्टी हूँ। मैं एक बहुत ही रेपूटेड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से, ठीक है। और ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जो नए लर्नर हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, जो हमारा यूथ है, वो मेरा यूज़ करके मेरे नॉलेज को यूज़ करके आगे बढ़ सके। देखो, एपथी का मतलब होता है उदासीनता होता है एपथी का मतलब, ठीक है, उदासीनता होता है एपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। इसमें देखो अनकंसर्न मतलब लेजीनेस थोड़ी सी, अनकंसर्न, कंसर्न का मतलब ये देखो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। सिनोनिम में अनकंसर्न लिखा हुआ है मतलब उसका कोई लेना देना नहीं, उदासीन है भाई, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। कई साधु होते हैं ना, उनको साधुओं को सांसारिक जो ये प्रलोभ बने उनको विचलित नहीं कर सकते, तो अनकंसर्न है, ठीक है। अचेत हैं, असंबंध है, ठीक है, आप ये याद कर लेना। डिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता होता है, उदास लोग रहते हो, इनडिफरेंट, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, डिफरेंस है मेरे अकाउंट में भाई, कोई मैं बिजनेस करता हूँ तो उसका डिफरेंस आता है, लेकिन वो आया नहीं, उसका उल्टा हो गया, इनडिफरेंस, तो मैं उदास हो गया, ठीक है। अलूफनेस, आलू याद कर लेंगे, आलू से मैं दूर रहता हूँ, आलू की सब्ज़ी मेरे को अच्छी लगती है, आलू से मैं दूर रहता हूँ। अलूफनेस, दूरी बनाए रखना होता है अलूफनेस, ठीक है। तो किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, उससे कोई अपना संबंध नहीं होना, वो होता है एपैथी, ठीक है। अनकंसर्न, इनडिफरेंस, अलूफनेस। एंटोनिम देखो, अनकंसर्न का उल्टा कंसर्न हो गया, एंटोनिम में आएगा। केयर, किसी की परवाह करना। एंग्जायटी चिंता करना, किसी के बारे में चिंतित रहना, किसी चीज़ के बारे में सोच सोच कर उसका हल निकालना, अपने दिमाग में उन विचारों को रखना, वो एंग्जायटी होता है, ठीक है। और ये होता है कि किसी चीज़ से कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ता, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी घटित होता रहे, वो अपेक्षा होता है। नेक्स्ट, एलिन का होता है विदेशी। एलिन का मतलब होता है भाई विचित्र, ठीक है, को भाई ये चीज़ मेरे से एलिन, आई एम एलिन टू दिस, इसका मतलब मेरे को नहीं पता, मैं बिल्कुल नया हूँ, मेरे लिए बिल्कुल अजनबी चीज़ है, ठीक है, अजीब चीज़ है। स्ट्रेंजर मतलब हमें कोई भी मिलता है रास्ते में, वो हमारे लिए स्ट्रेंजर, हम उसको नहीं जानते, तो एलिन है वो हमारे लिए। आउटसाइडर मतलब कोई भी बाहर से आया हुआ है, हमें नहीं पता कौन है। फॉरनर, विदेशी, ठीक है, जिस आदमी को हम पहली बार देखें, अगर हम उनको नहीं जानते, वो हमारे लिए एलिन है। एलिन तो वैसे तो जो दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी होते हैं उनको हम एलिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंजर, आउटसाइडर और फॉरनर इसके सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम देखो, इसके एंटोनिम बनेंगे नेटिव में नहीं होता है, देशी, अपने देश का। सिटीजन आपको पता है, नागरिक वही होता है जो किसी देश में रह रहा है, ठीक है। ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपाई से ऑक्यूपेंट बन गया, ऑक्यूपाई में नहीं होता है जगह घेरना, जगह लेना, तो ऑक्यूपेंट होता है जगह लेने वाले, तो कोई
कोई आपके जगह लेके आपके घर के साइड में किसी ने जमीन खरीद ली, जगह ले ली, वहाँ के रहने लग गया, इसका मतलब तो उसी देश हो गया, देशी हो गया, तो वो इसका एंटोनिम हो गया। ये सेकंड आपका वर्ड। इसके बाद है अलैक्रिटि। अलैक्रिटि को हिंदी में बोलते हैं तत्परता, तत्परता, जोश, जोशीला है, जोश है, तत्पर है ना। स्विफ्ट, स्पीड से याद कर लेंगे, स्पीड, एक स्विफ्ट गाड़ी आती है, स्विफ्ट गाड़ी, स्विफ्ट का मतलब होता है हिंदी में तेजी, स्पीड, तेज, तीव्र, तो स्विफ्टनेस, तत्परता, जोश, भाई स्विफ्टनेस है उसमें, उसमें तेजी है, स्पीड आपको पता है तेज होता है। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस होता है प्रॉम्प्टली कोई चीज़ हो जाती है, एकदम से कोई चीज़ होने लग जाए, हमारे अंदर एकदम से कोई विचार आए और हम उठ खड़े हों, तो वो हमारे प्रॉम्प्टनेस होता है, ठीक है, प्रॉम्प्टनेस में नहीं होता, तत्परता ही होती है। ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस में नहीं भी तेजी होती, तेजी, ब्रिस्क, ब्रिस्क में नहीं, कोई काम तेजी से करना, कोई काम बिल्कुल अलर्ट होकर करना, अलर्टनेस, ब्रिस्कनेस होती, ठीक है। अलर्टिटी, अलर्टनेस भी इसमें लिख सकते हैं आप। इसके अंदर देखो लेजीनेस, LAZY, लेजी से लेजीनेस बन गया, ठीक है, ये नाउन है अलर्टिटी। स्लगिशनेस, स्लगिश, स्लग, स्लग से याद कर लेंगे, स्लगिशनेस, स्लगिशनेस में नहीं होता, पिछड़ापन, पिछड़ापन होता है, वो पिछड़ जाए, कोई पीछे रह जाए, कोई ढीला ढाला सा है, कोई उसमें जोश ही नहीं है, है ना, उसमें काम करने का कोई मन ही नहीं है उसको, तो स्लगिशनेस बोलते हैं उसको। स्लगिशनेस में को याद करेंगे लग, लगेज, है ना, लगेज में LUGG, उसको लगेज वाला ले लेंगे, ठीक है। तो लगेज ज़्यादा था, भीड़ आगे चलती गई, हमारे साथी चल रहे थे, हम उसे पिछड़ गए, पीछे रह गए, क्योंकि लगेज ज़्यादा था, लगेज भारी मेरे कंधे पे रखा हुआ था, मेरे सर पे रखा हुआ था, तो पिछड़ गए, तो स्लगिशनेस उससे याद कर लें, पिछड़ापन। लेथार्जी, है ना, लेथार्जी होता है एनर्जी का उल्टा, एनर्जी, एनर्जी का उल्टा, इसमें, इसमें एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जेटिक भी लिख सकते हैं, एनर्जेटिक, ठीक है, ये लेथार्जी एनर्जी का उल्टा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ढीलापन, सुस्तनेस, सुस्त, सुस्ती, है ना, कमजोर, लेथार्जी। ऊर्जा विहीन, ऊर्जाहीन। इंडोलेंट, इंडोलेंट में उदासीन होता है, उदासीन, उदास, ढीला ढाला, इंडोलेंट होता है। डोल, डोल के सारी एनर्जी खत्म कर दी, वो इंडोलेंट हो गए। डोल के इन, इन डोल, ठीक है, डोल, डोल के सारी एनर्जी खत्म कर दी, इससे आप याद कर सकते हैं इंडोलेंट। नेक्स्ट लेते हैं अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब होता है अपमान, अपमान करना, अपमान करना और अपमान दोनों होते हैं, नाउन भी है ये और वर्ब भी, ठीक है। प्रोवोक मन भड़काना होता है, भड़काना, प्रोवोक भड़काना, कई बार कहते हैं ना उसके रिमार्क हैं वो बहुत ही प्रोवोकेटिव हैं, प्रोवोकेटिव मीन्स दूसरे को भड़काने वाले, भड़कीले, प्रोवोक है। वेक, वोक, वोकन, वोक से याद कर लेंगे, वोक से पहले प्रो लगा दिया, ठीक है, प्रो कबड्डी होता है ना, उसी से आप प्रो लगा के वोक कर देंगे, तो उसको दोबारा खड़ा कर रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, तो उसको भड़का रहे हैं, किसी को आवाज़ लगाई उसको वोक कर दिया, वो खड़ा हुआ, और उसको बार बार परेशान करें, जल्दी खड़ा हो जाए, बिस्तर छोड़ दें, तो वो भड़क जाएगा, प्रोवोक हो गए। एग्जास्परेट, एग्जास्परेट में नहीं होता भड़काना, ये भी भड़काना होता, भड़काना, उकसाना, उकसाना, ठीक है, एग्जास्परेट। इसको याद कैसे करेंगे, सेपरेट, एग्जिट, उसको एग्जिट कर दिया, एग्जिट का एक्स ले लेंगे, एग्जिट करके उसको सेपरेट, सेपरेट रखने लग गए, इससे वो भड़क गया, एग्जास्परेट, एग्जिट कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, एग्जिट किया उसको, फिर उसको सेपरेट कर दिया, बाहर रहें, उसको अलग से रखा गया, उसको घर में, घर में उसको एंट्री नहीं दी, ठीक, इससे वो भड़क गया, तो एग्जास्परेट याद कर लेंगे। इनडिग्निटी, डिग्निटी तो होती है प्रतिष्ठा, डिग्निटी प्रतिष्ठा होती है, डिग्निटी प्रतिष्ठा, इग्निटी, इनडिग्निटी प्रतिष्ठा को, प्रतिष्ठा को बिगाड़ देना, मतलब असंभव।
असम्मान, इनडिग्निटी। डिग्निटरी लोग होते हैं ना, कई बार आप देखते हैं ये डिग्निटरी लोग हैं भाई, डिग्निटरीज हैं। डिग्निटरीज मीन्स कोई प्रतिष्ठित लोग आते हैं, बड़े लोग, तो उनको डिग्निटरीज बोलते हैं। और इन लग गया तो थोड़ा उल्टा हो गया, इन लगते ही उल्टा हो जाता है। जैसे डिफेंस था, डिफेंस में इन लग गया तो उल्टा हो गया। आगे क्या है? इररेवरेंस, आर ई वी ई आर, रेवर, ठीक है। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान देना, और आई आर लगते ही इसका एंटोनिम हो गया, तो इररेवरेंस मतलब अपमान करना, अपमान करना, ठीक है। ये अफ्रंट है, ये अफ्रंट के सिनोनिम्स हैं। आगे कॉन्सिलिएट देखो, कौन सी ये लेट, तीन में बांट लो इसको। कौन सी लेट का मतलब होता है मनाना, मनाना। और अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, शांत करना। मोलिफाई का मतलब शांत करना, रोकना। और असेज का मतलब शांति में रखना, पीसफुल बनाना, ठीक है, बढ़ने से रोकना, असेज। तो कॉन्सिलिएट का मतलब होता है मनाना, मनोहार करना। कोई कोई बिगड़ जाए, कोई रूस जाए, कोई आपसे एंग्री हो जाए, और कोई कोई समझ लो कोई बस में ना आ रहा हो, तो उसको बातों से या कैसे भी उसको कॉन्सिलिएट करना, मतलब उसको मना लेना। भाई मान गए, अब वो आगे कोई ऐसा काम नहीं करेगा, वो मान गए, कॉन्सिलिएट होता है, कॉन्सिलेशन होता है वो, तो कॉन्सिलिएट यहाँ पे, कॉन्सिलेट ये वर्ब है, कॉन्सिलेट करना। अपीज, अपीज शांत करना। प्लीज, प्लीज को जोड़ दो प्लीज से, प्लीज आप रुक जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, अपीज होता है। ऐप, या फिर ऐप ले लो और ईज ले लो, ईज ले लो और ऐप ले लो, भाई उसको एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर दी कि सारा काम उसका इजी हो गया, तो अपीज, सारा काम उसका इजी हो गया, इसका मतलब वो शांत हो गया। उसको ऐसी ऐप मिल गई जिसको सारा काम उसका इजी हो गया, अब वो शांति से रह रहा है, अभी भी शांत कर रहा है। मोलिफाई, मॉल में ले गए उसको, मॉल में ले गए तो उसको उसकी मन की मर्जी के हिसाब से सारी शॉपिंग करवा दी, तो वो शांत हो गया, मोलिफाई। असवेज, असवेज को कैसे याद करेंगे? एज को अलग कर लो, एस को अलग कर लो, ठीक। उसकी एज इतनी बढ़ गई है, उसकी एज ऐसी चल रही, इतनी ज़्यादा उसकी एज हो गई है कि अब वो गधे की तरह रहता है, ऐसे ही, मतलब वो बस काम नहीं कर सकता, शांति में रहता है, शांत में रहता है, शांत रहता है, ऐसे शांत कर रहा है, ठीक है। बाकी आप अपने अपने ढंग से आप इसको किसी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। कंसिलेट, अपीज, मोलिफाई, एसवेज, पैसिफाई भी होता है, पैसिफाई, पैसिफाई। प्रशांत महासागर, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर शांत रहता है, तो उससे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अक्वार्ड, अक्वार्ड होता है भद्दा, भद्दा, तो सुनने में कलमजी, कलमजी मिनी भी भद्दा होता है, भद्दा गंदा, ठीक है। ऑकवर्ड रिमार्क हम करते हैं ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ऑकवर्ड रिमार्क करते हैं तो किसी की बेइज्जती करते हैं, इसका मतलब वो भद्दे रिमार्क्स है, उसका अपमान कर रहे हैं, तो ऑकवर्ड में नहीं, भद्दा गंदा। पोंडरस, पोंडर, पोंडर का पौंड उठा लो सिर्फ, पौंड, पौंड में गिर गया, सारे कपड़े गंदे हो गए, पोंडरस भद्दा। अनगेनली, गेन में नहीं प्राप्त करना, अन लगाते उल्टा हो गया भाई, लाभ नहीं मिला, गेन में नहीं प्राप्त करना भाई, जो चीज़ प्राप्त करनी थी वो नहीं मिली, इसका मतलब वो गंदी तरह से रह रहा है, उसको जो लाभ मिलना था पैसे का या व्यापार में या किसी भी तरह, तो वो मिला नहीं, और वो हो गया गरीब, और वो बड़े गंदे तरीके से रहता है, अनगेनली। रफ आपको पता ही है, रफ मिली, पता है रफ ली, हम जो काम करते हैं अच्छे तरीके से काम नहीं करते तो वो रफ होता है, रफ नोट होगा, आपने सुना होगा, उसमें जल्दी जल्दी राइटिंग लिखते हैं तो गंदी राइटिंग आती है, तो ऑकवर्ड के सिनोनिम हो गए क्लमजी, पोंडरस, अनगेनली, रफ। एंटोनिम देखो, स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है जिसके अंदर टैलेंट है,
और स्किलफुल में सिंगल एल आएगा, डबल एल मत कर देना, FUL FUL में का भी सिंगल एल आएगा, स्किलफुल में दोनों एल सिंगल आएंगे, ये ध्यान रखना। जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर टैलेंट है, टैलेंट से भरा हुआ स्किलफुल होता है, ठीक है। एप्ट एप्रोप्रिएट का शॉर्ट एप्रोप्रिएट का शॉर्ट होता है एप्ट, एप्ट मैंने बिल्कुल स्टीक सही सटीक स्टीक। डेक्स्ट्रेस आपने सुना होगा ना, डेक्स्ट्रेस है तो मतलब एक्स डेक्स्ट्रेस हो गया कि जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो गया, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, एक्सपर्ट, ठीक है। डेक्स्ट्रेस डेक्स्ट्रेस में नहीं होता, एक्सपर्ट दक्ष है ना, एक्सपर्ट। क्लेवर आपको पता ही, चालाक होता है, स्मार्ट चालाक होता है। आज के ये वर्ड थे 1 2 3 4 5, फाइव हमने वर्ड उठाए, और देखो इसके साथ साथ में कितने वर्ड वर्ड मीनिंग करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक में कम से कम 1 2 3 4 5 6, तो समझ लो 6 की एवरेज आती है, 6 की एवरेज आती है, कई बार 8 की भी एवरेज आती है, तो हम 7 की लेते हैं, 7 की एवरेज लिखते हैं, तो 35 वर्ड मीनिंग तो ये हो गई, और 5 ये हो गए, 40 के आसपास आपके वर्ड मीनिंग रोज़ हो रहे हैं, 40 के आसपास वर्ड मीनिंग हो रहे हैं, तो एक महीने कितने हो गए 1200 वर्ड मीनिंग, और 1200 में से ही आप 1200 वर्ड मीनिंग हो गए एक महीने में, तो देखो कितना कितना ज़्यादा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है ये वर्ड मीनिंग का। और आगे भी इसको रिपीट करवा देंगे, आगे भी क्लासेस वर्ड मीनिंग की चलती रहेंगी, क्योंकि वर्ड मीनिंग है ये फाउंडेशन है इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन है, ठीक है। मेरे चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, द इंग्लिश कोर प्लस, ये मेरे चैनल का नाम है द इंग्लिश कोर प्लस। इसमें SSC DSSB और SSC में क्या आ गया, CGL आ गया, CHSL आ गया, NDA आ गया, CDS आ गया, है ना, और कोई भी एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या आर्मी का कोई एग्जाम हो गया, है ना, और भी कोई लोकल एग्जाम हो गई जैसे सी ग्रुप या डी ग्रुप, इन सभी के लिए ये मेरी जो इंग्लिश है वोकेबलरी भी और उसके बाद ग्रामर भी ये आर पार रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आपका सिलेक्शन इंग्लिश में नहीं रखने दूंगा। तो ये मेरा चैनल है, इसको आप अच्छा लगे तो लाइक करें, और ना अच्छा लगे तो भाई छोड़ दें या डिसलाइक कर दें, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप अच्छा नहीं लगे तो। और भाई अगर आप किसी दूसरे को अपने फ्रेंड को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, आपका ग्रुप आप तैयारी कर रहे हैं तो उस ग्रुप में आप इसको भेज सकते हैं, इंडिविजुअली इसको शेयर कर सकते हैं, अगर अच्छा ना लगे तो भाई इसको शेयर ना करें, ये आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।